जो आज का टॉपिक है वह है भानुभट्ट की आत्मकथा। ठीक है, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास है। यह 1946 की रचना है, याद रखिएगा, 1946 की रचना है भानुभट्ट की आत्मकथा। यद्यपि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने और भी उपन्यास लिखा है जिनमें प्रमुख था चारु चंद्र लेख, यह 1963 की रचना था, 1963 की रचना था। इसी तरह से पुनर्वा जो 1973 की रचना था, 1973, और अंतिम था अनाम दास का मथा, 1976। तो ये चार पांच उपन्यास फेमस था, लेकिन जो आपके सिलेबस में एनटीए में लगा हुआ है पूरा पढ़ना है भानुभट्ट के आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए जो इसका जो कथानक है इसी को हम लोग समझेंगे, भानुभट्ट की आत्मकथा। जो भानुभट्ट थे वह जो कहा जाता है कि जो अंतिम हिंदू सम्राट हर्षवर्धन थे, इसी हर्षवर्धन के दरबार में भानुभट्ट रहते थे। हर्षवर्धन सातवीं सदी का था। ठीक, तो सेवंत सेंचुरी समझ लो, जिस समय आदिकाल की शुरुआत ही हो रहा था, जिस समय के शंकराचार्य थे, जिस समय अलवार नैनार आंदोलन दक्षिण में चल रहा था, उसी समय की कथानक है सातवीं सदी के भानुभट्ट की आत्मकथा। इस उपन्यास में ध्यान रखना कि सातवीं सदी के मध्य के भारत की राजनीतिक स्थिति का निरूपण है। कब का है? सातवीं सदी के मध्य के भारत के राजनीतिक स्थिति का निरूपण है। उस समय उत्तर भारत में हूनों का आक्रमण हुआ था। हून विदेशी आक्रमणकारी थे। आप देखोगे कि जब मौर्य सम्राट थे, इससे भी पहले 4th century BC में, तो कहा जाता है मौर्य के पतन के बाद 1st century के करीब में इतिहास में पढ़ोगे बहुत सारे विदेशी आक्रमणकारी आए, चाहे शक हैं, कुषाण हैं, पहलव हैं, हूण हैं, वहीं से 1st century से ही शुरुआत हुआ और 7th century तक भी हूण का आक्रमण हो रहा था। और कोई भी बड़ी शक्ति उनका प्रतिरोध करने में सक्षम नहीं थी कि विदेशी शक्ति इतने मजबूत थे कि हून का सामना करने की शक्ति किसी में नहीं थी। उसी समय सातवीं सदी में याद रखना, थानेश्वर का शासक हर्षवर्धन, कौन था? थानेश्वर का शासक हर्षवर्धन था और उनके दरबारी कवि थे भानुभट्ट, याद रहेगा, उसके दरबारी कवि थे भानुभट्ट। कहता है कि इस उपन्यास में, चूंकि यह एक ऐतिहासिक उपन्यास है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जो भी ऐतिहासिक रचनाकार होते हैं, उपन्यासकार होते हैं, वह इतिहास और कल्पना का समन्वय करते हैं। अगर सिर्फ ऐतिहासिक पात्र को ही ले लेगा तो फिर यह इतिहास कहला जाएगा, ना कि उपन्यास। क्योंकि आप पढ़े होंगे कि साहित्य मतलब जो इतिहास है वह हमें फैक्ट देता है, लेकिन साहित्य उनमें कल्पना को जोड़ने से बनता है। मतलब इतिहास भी होता है और कल्पना भी होता है। इसीलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी के इस उपन्यास में दो तरह के पात्र, ठीक है, आपको दो तरह के पात्र मिलेंगे। एक ऐतिहासिक पात्र मिलेंगे जिनकी इतिहास में कहीं ना कहीं चर्चा, मतलब हिस्ट्री अगर आप पढ़ेंगे, हिस्ट्री सुनीता बैठी हुई है कि मतलब कि हर्षवर्धन के बारे में उनके क्या क्या ऐतिहासिक पात्र हैं, जैसे हर्ष है ऐतिहासिक पात्र है, कुमार कृष्णवर्धन है, राजश्री है, हर्ष की बहन राजश्री है, देव पुत्र मिलिंद है और भानुभट्ट है। ठीक है, हर्ष हो गया, राजश्री हो गया, कुमार कृष्णवर्धन हो गया, देवपुत्र मिलिंद हो गया और भानुभट्ट हो गया। यह ऐतिहासिक पात्र, याद रहेगा, यह ऐतिहासिक पात्र। जबकि इसमें काल्पनिक पात्रों का भी समायोजन किया गया है, याद रखिएगा। काल्पनिक पात्रों में प्रमुख निपुणिका है जो मिलाने के लिए हर बार पूछता है,
निपुनिका है, याद रखिएगा नेहा जी, महामाया है, भटनी है, अघोर भैरव है और सुचरिता है। याद रखना, यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स ही है इस बार के एग्जाम में। जो काल्पनिक पात्र है उसमें निपुनिका है, महामाया है, भटनी है और अघोर भैरव एवं सुचरिता, अर्थात एच द्विवेदी, कोड है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ने इतिहास और कल्पना का सुंदर समन्वय किया। याद रहेगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इतिहास और कल्पना का क्या किया है, सुंदर समन्वय किया। कहते हैं बाण भट्ट की आत्मकथा में द्विवेदी ने हर्षचरित नामक संस्कृत ग्रंथ को उपजीव्य माना है। हर्षचरितम किसकी रचना है, बाण भट्ट की रचना। जो हर्षचरितम है वह बाण भट्ट ने लिखा है, हर्ष को केंद्र में रखकर, क्योंकि हर्ष के ही दरबारी कवि बाण भट्ट थे, इसी को उपजीव माना एच द्विवेदी, अर्थात इसको इन्होंने आधार बनाया है। कहते हैं बाण भट्ट की आत्मकथा में नारी सम्मान की रक्षा केंद्रीय भाव, ध्यान रखना कि नारी सम्मान की जो रक्षा की बात है वह एक केंद्रीय भाव है, किसमें, बाण भट्ट की आत्मकथा। कहते हैं जब तक एक प्रतापी सम्राट तुबर मिलिंद की पुत्री भट्टनी का अपहरण कर उसे बेच दिया जाता है। याद रखना, जब एक, कहा जाता है कैसे ये मतलब स्त्रियों के सम्मान की रक्षा के सवाल को उठाता है, तो कहता है कि एक प्रतापी सम्राट था तुबर मिलिंद, इन्हीं की पुत्री होती है भट्टनी, इसी को अपहरण कर क्या किया जाता है, बेच दिया जाता है, तो भला साधारण नारी की स्थिति क्या। ये कह रहा है कि आखिर सातवीं स्थिति की कंडीशन क्या है, ये चीज कह रहा है कि अपने आदिकाल में भी पढ़ा था कि उस समय क्या था कि जो भी सामंत वर्ग थे आपस में ही लड़ रहा था, जाकी कन्या सुंदर देखी ताकी धल तरवा, अपने राशो काव्य पढ़ा, तो कह रहा है कि वहां क्या होता है कि एक राजा दूसरे राजा पे आक्रमण करता है, उसकी बेटी को अपहरण कर लेता है और बेच देता है। तो ये कह रहा है लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी, जब राजा के पुत्री के साथ ये हो सकता है तो सामान्य नारी के बारे में क्या कहा जा सकता। कहते बाण भट्ट निपुनिका कृष्ण वर्धन के प्रयास से भट्टनी की सम्मान की रक्षा हो। याद रखना तीन व्यक्ति हैं, बाण भट्ट निपुनिका और कृष्ण वर्धन। याद रहेगा नीलू जी, बाण भट्ट निपुनिका और कृष्ण वर्धन के प्रयास से भट्टनी के सम्मान की रक्षा हुई। भट्टनी जो है बाण भट्ट की आत्मकथा के बहुत फेमस पात्र है। कहता है यह पुरुष प्रधान सामंती व्यवस्था का सबसे बड़ा विशाप है कि नारी को भोग्य मात्र माना जाता है। समझ आ रहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते भी है कि यह पुरुष प्रधान समाज की सबसे बड़ी कमी है, आज की नहीं सातवीं सदी में भी, आज भी कमोबेश आप वही देखते हो कि नारी को एक भोग की वस्तु समझी जाती है। बाण भट्ट कहते हैं, बड़ा स्टेटमेंट अच्छा देते हैं, याद रखना, क्या संसार के सबसे बहुमूल्य वस्तु इसी तरह अपमानित तो होती रहेगी, मतलब कि जो बहुमूल्य नारी है क्या इसी तरह अपमानित तो होती रही। इस उपन्यास की एक सशक्त पात्र है महामाया। भट्टनी अभी आपने देखा कि जिसको अपहरण कर लिया जाता है और उन्हें बेच दिया जाता है, फिर उन्हें बचाता कौन कौन है, बाण भट्ट निपुनिपा और कृष्ण वर्धन। जो दूसरी महत्वपूर्ण पात्र है वो है महामाया। कहता है यह स्त्री को, ये स्त्री को प्रकृति मानती है, जिसकी सार्थकता पुरुष को बांधने में है। वह कहती है कि पुरुषों की पूर्णता पाने के लिए स्त्री को, अब स्त्री की आवश्यकता निरंतर होती है, कि अगर पुरुषों को पूर्णता पाना है तो उसके लिए स्त्री का आवश्यकता निरंतर होगा। जो स्त्री की उपेक्षा करता है वह पूर्णता से दूर रह जाता है। कौन कहती है, महामाया। बाण भट्ट ने कई स्थानों पर कहा है नारी शरीर देव मंदिर की भांति पवित्र है।
बहुत डिबेट होता है भटनी और बाण भट्ट में, बहुत डिबेट होता है जब आप उपन्यास पढ़ेंगे तो, क्योंकि इन्हें मतलब कि बेच मतलब अपहरण करके भटनी को बेच दिया जाता है। तो फिर जब मतलब कि जब बाण भट्ट उनसे मिलते हैं बहुत लंबा डिबेट होता है। वो कहती है कि अब तो हम अछूत बन गए हैं, हम तो दूसरे, मैं तो राजा की पुत्री अब रही नहीं। तो बाण भट्ट कहते हैं कि जो स्त्री जो होता है नारी शरीर देव मंदिर की भांति पवित्र होता है, अगर आपके साथ गलत हुआ तो इसमें आपकी क्या गलती है, आज हमारा समाज कैसा है, अगर मतलब किसी स्त्री के साथ अगर कुछ होता है तो सारा जिम्मेदार उसी पे झोंक दिया जाता है, उसी को माना जाता है। लेकिन इस कंडीशन में अगर उनका कोई अपहरण कर लेता है, बलात् अपहरण कर लेता है, तो उसमें नारी की क्या गलती है। उसी संदर्भ में कहता है भटनी का जब अपहरण हो जाता है तो बाण भट्ट कहते हैं सियारों के स्पर्श से सिंह किशोरी कुलसित नहीं होती। कहता है कि जब दोनों में डिबेट होता है, कहता है कि अगर सियार स्पर्श कर ले तो इससे सिंह किशोरी मतलब क्या होता है कुलसित नहीं होती, और चरित्रहीन के पास बास करने से सरस्वती कलंकित नहीं होती। कहता है जिस तरह से सियार के स्पर्श करने से सिंह कुलसित नहीं होता, इसी तरह से सरस्वती अगर चरित्रहीन के पास चली जाए इससे सरस्वती प्रभावित नहीं होती। कहता है निपुणिका रंगशाला में अभिनय करती है। जो निपुणिका है, अभी महामाया देखा तीसरा पाद है निपुणिका, जो रंगशाला में अभिनय करती है तथा एक स्थल पर पान बेचती है। इसकी भी कहानी बड़ी, जो निपुणिका है इनकी भी बड़ी कहानी है, जहां नारी केवल खरीदने बेचने की वस्तु है। जो निपुणिका है वो पान की दुकान वहां पर खोली है जहां वेश्यालय है, मतलब कि जहां नारी को खरीदा और बेचा जाता है। बाण भट्ट मानता है कि इस स्थिति में भी निपुणिका पवित्र है। बाण भट्ट का मानना है कि इस जगह पर रहने के बाद भी निपुणिका क्या है, पवित्र है। बाण भट्ट की आत्मकथा में द्विवेदी जी ने प्रेम और नारी दोनों के प्रति उदात्त भाव रखा है। ठीक है, प्रेम और नारी दोनों के प्रति क्या रखा है, उदात्त भाव रखा है। कहते हैं यहाँ प्रेम वासना जनित ना होकर संयमित अनुशासित उदात्त और पवित्र है। निपुणिका और भटनी दोनों ही बाण भट्ट से प्रेम करते हैं। ठीक है, जो निपुणिका और भटनी, निपुणिका कैरेक्टर अभी आपने देखा जो रंगशाला में काम करती है, और इनकी बड़ी कहानी है निपुणिका को, जब आप पढ़ोगे क्या होता है कि निपुणिका मतलब थोड़ा सा गरीब घर से होती है, जब उनके पति मर जाता है तो उन्हें घर से निकाल दिया जाता है, तो उनके मतलब घर वाले भी कोई एक्सेप्ट नहीं करता है, तो वो रंगशाला में काम करने लगता है, ठीक करने लगती है। तो जब उसी रंगशाला में बाण भट्ट भी होता है, एक दिन बड़ा अच्छा प्रदर्शन करती है निपुणिका, जिसके कारण बाण भट्ट को थोड़ा सा मतलब कहा जाता है कि मुस्कुरा दिया या मतलब कुछ कॉमेंट कर दिया, जिससे कि वो रंगशाला छोड़ के चली जाती है। और जब रंगशाला छोड़ के चली जाती है तो इसके कारण बाण भट्ट को बड़ा दुख होता है। वो लगातार 5-6 साल तक खोजते रहता है लेकिन निपुणिका मिलती नहीं है। लेकिन जब मिलती है तो वो उस वेश्यालय के आगे पान की दुकान चला रही होती है, तो उस समय भी ये कहता है कि तुम पवित्र हो। अब देखो यहाँ पर भी जो निपुणिका है वो बाण भट्ट से प्रेम करती है, लेकिन इस प्रेम में उदात्त भाव है, वासना तनिक भी नहीं। कहता है परंतु इसमें वासना लेश मात्र भी नहीं है। इस प्रकार अघोर भैरव और महामाया का प्रेम भी भावनात्मक न होकर साधनात्मक। दो पात्र और आता है, अघोर भैरव और महामाया, याद रखना ये एक दूसरे से प्रेम करते हैं, अघोर भैरव और महामाया। जैसे बाण भट्ट से दो प्रेम करती है निपुणिका और भटनी, जबकि अघोर भैरव से महामाया, लेकिन इनमें भी प्रेम जो है साधनात्मक है। इस कथा कि इसमें भाव की तुलना में तप त्याग और साधना को महत्व दिया गया, तप को दिया गया त्याग और साधना। एक है बिरति ब्रज, बहुत फेमस पात्र है बिरति ब्रज बाण भट्ट की आत्मकथा का, दिमाग में बैठा लेना बिरति ब्रज इस बार आ रहा है। ठीक है, बिरति ब्रज और सुचरिता का प्रेम साधनात्मक और भावनात्मक दोनों, दो नाम है बिरति ब्रज और सुचरिता। अभी तक में हमने प्रेम को संबंध देखा है, फिर से एक बार देख लो, पहला बाण भट्ट वर्सेस भटनी और निपुणिका,
दूसरा महामाया और अघोर भैरव, तीसरा विरति ब्रज ब्रज और सचरिता सुचरिता, ये प्रेम है कपल्स है। कहते इस उपन्यास के माध्यम से द्विवेदी ने जन साधारण को यह संदेश दिया कि सुधारों का कार्य राजा पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए, बल्कि स्वयं अपनी शक्ति से उन सुधारों का क्या करना चाहिए, क्रियान्वयन करना चाहिए। राष्ट्र को सर्वोपरि मानकर सभी प्रायः एकजुट होकर राष्ट्र की सेवा और त्याग और बलिदान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण पात्र हैं, इनको अलग से भी हम देख लेंगे, अभी कुछ कुछ पात्र को देखा है, इनको दिमाग में बैठा लीजिएगा। पहला पात्र है बाणभट्ट। कहते इसे उपन्यास का नायक कहा जाता है, बाणभट्ट को, जो हर्ष के दरबार में था। इसका वास्तविक नाम दक्ष था, याद रखना, राजा दक्ष का नाम सुने हो, जो सती का पप्पा था, अंतिम में शिव जी ने उसका गला काट के और बकरे के सर लगा दिया। ऐसे ही होता है पापी लोगों के साथ, है ना। तो कहता है राजा का नाम क्या था, दक्ष था। वह कहता है प्रसिद्ध पंडित बात्स्यायन वंशी जयंत भट्ट का पौत्र था। किसका पुत्र था, जयंत भट्ट का। अल्पायु में ही मातृ सुख से वंचित हो गया, मम्मी मर गई, 14 वर्ष की उम्र में पितृ स्नेह से वंचित हो गया, पप्पा भी टपक गया। वह नगर जनपद में घुमा फिरा करता था, जो नगर नगर होता है बाणभट्ट का, आपने कथा देखोगे ना, बहुत जगह घूमे हैं, घुमा करता, इसलिए उसे क्या कहा जाता था, वंड, वंड भी कहा करते थे, वंड वंड मतलब वन में घूमने वाले, जगह जगह घूमते हैं ना, उसे वंड भी कहते हैं। ये कवि हृदय थे, वह स्त्री के प्रति सम्मान भाव रखता था, भटनी के सौंदर्य से वे परमात्मा की झलक पाते हैं, यानी कि जो कहते हैं जो भटनी है उनको देख करके लगता है आह देवी है, जैसे किसी किसी को देखो लगेगा वाह साक्षात दुर्गा माता, तो उनको देवी की झलक पाते हैं। ये अनेक कथाओं और कलाओं में परंगत है, इनकी प्रशंसा निपुणिका और भटनी दोनों करते हैं। बाणभट्ट भटनी की रक्षा का दायित्व निपुणिका के आग्रह पर लेता है और भटनी को बचाता है, इनकी ये कहानी है। दूसरा फेमस पात्र जो है वह है भटनी। यह देव पुत्र तुवर मिलिंद की रूपमती कन्या है, पहले भी हमने पढ़ा है तुवर मिलिंद की रूपमती कन्या है, जिसका बालात यानी कि जबरदस्ती अपहरण कर लिया गया है, और इस अपहरण को यानी कि इनको फिर मतलब भटनी को बेच दिया जाता है। इनको बचाने का काम बाणभट्ट निपुणिका और कृष्णवर्धन के सहयोग से होता है और भटनी को मुक्ति मिलती है। भटनी को नगर द्वार से पुरुषपुत्र, देखो जब उन्हें मतलब कैप्चर कर लिया गया था तो कहां कहां ले गया था, नगर द्वार से पुरुषपुर ले गया था, फिर पुरुषपुर से जालंधर ले गया, जालंधर से थानेश्वर, ना जाने कहां कहां जाना पड़ा, मतलब कि उनको भेज दिया एक जगह से दूसरे जगह भेजता हुआ चला गया, मतलब उन्हें भिन्न भिन्न जगह पर देना गया। दस्यों के स्पर्श से उसका अहम भाव चूर हो चुका था, दस्यों मतलब समझ रहे हो कि जो लुटेरे थे जो छीनने वाले थे उनकी, पहले तो जो राजा की बेटी थी तो इनको घमंड तो था ही अहम तो था ही, लेकिन जब इनको मतलब कोई कैप्चर कर लिया इनके साथ गलत व्यवहार हुआ तो मतलब इनके जो अंदर के घमंड थे वह टूट चुके थे। वह बाणभट्ट की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि तुम सच्चे कवि हो, मेरी बात गांठ बांध लो, तुम इस आर्यावर्त के द्वितीय कालिदास। कौन कहती है, भट्टनी, किसको कहती है, बाणभट्ट। बाणभट्ट से यह मन ही मन प्रेम करती है किंतु प्रेम को व्यक्त नहीं करती। बहुत सारे लोग मन ही मन प्रेम करते हैं लेकिन जीवन निकल जाता है वो बोल ही नहीं पाते, ऐसे भी होता है, कॉलेज वॉलेज में देखे होंगे। तो ये बेचारी भट्टनी भी बाणभट्ट से प्रेम करती है लेकिन बोल नहीं। दूसरा फेमस पात्र है निपुणिका। कहते यह अस्पृश्य जाति की कन्या, मैंने बताया ही था निम्न वर्ग की थी निपुणिका। उसका विवाह कांदविक वैश्य के साथ हुआ था, कांदविक वैश्य, वैश्य मतलब होता है जो खेती उती करता है, उसी के साथ हुआ था। वह एक वर्ष के भीतर विधवा हो गई, पति टपक गए,
ससुराल वाले दुखों ससुराल के दुखों को वह झेल नहीं पाने के कारण घर छोड़कर भाग गए। क्योंकि घर छोड़कर भागेगी तो समझ रहे कि जब ससुराल को आप छोड़ के आओगे ना तो घर वाले भी नहीं रखेगा, जो पीहर वाले हैं वो भी सुनाते हैं, इसीलिए वो घर छोड़ के भाग गई। बाण भट्ट से उसकी भेंट उज्जैनी में हुई, जहां बाण नाटक मंडली के सूत्रधार थे। मैंने बताया ही था कि नाटक मंडली में था। निपुणिका कुशल अभिनेत्री है। एक बार उज्जैनी के नाटक मंडली ने परम भट्टारक की उपस्थिति में अभिनय किया। परम भट्टारक होता है जो उच्च वर्ग के है, मतलब जो अधिकारी होता है। निपुणिका ने उस रात जीवंत अभिनय किया, मतलब बहुत अच्छा अभिनय किया निपुणिका ने। बाणभट्ट उसे देखकर हंस पड़ा, मतलब जैसे नहीं होता है कि आप इतना मेहनत करके और हमने हंस दिया, हंस पड़ा, जिससे निपुणिका इसे अपनी उपेक्षा मान ली और नाटक मंडली को छोड़कर चली गई। मैंने पहले भी कहानी बताया कि किस तरह से वो मतलब पान बेचती है वेश्यालय के आगे, और ये पहले ये इसी मंडली में गई थी, नाटक मंडली में, जिस जहां पर कि बाणभट्ट भी काम करता था, और वहीं से मतलब एक दिन महाभट्टारक के नेतृत्व में बहुत अच्छा अभिनय किया, और इस अभिनय को देखकर मतलब कि जो बाणभट्ट थे हंस गए, वो तो मजाक में हंस दिए थे लेकिन वो सीरियस ले लिया और छोड़ के चली गई। 6 वर्ष बाद निपुणिका की भेंट पान से होती है। थानेश्वर में वह पान की दुकान करती है। निपुणिका मतलब साहसी है, भट्टनी को मुक्त कराने में बाण की सहायता करती है बाणभट्ट की, अतः वह बाण को गुरु मानती है जिसने उसे स्त्री धर्म सिखाया है। निपुणिका जानती है कि भट्टनी भी बाण से प्रेम करती है, किंतु उसमें ईर्ष्या का भाव जरा भी नहीं, मतलब कितना महान था, मतलब कि जरा भी ईर्ष्या का भाव नहीं था। आजकल तो मार हो जाए पता चलते ही, लेकिन मतलब इतने फेमस थे बाणभट्ट निपुणिका। तो मतलब इस उपन्यास में बेसिकली अगर देखा जाए तो इस उपन्यास का जो केंद्रीय भाव है वह 7वीं सदी है, वह हर्षकालीन है। यह उपन्यास एक ऐतिहासिक उपन्यास है, इसमें हिस्ट्री केंद्र में है। इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 2 भागों में पात्र को बांटा है, एक ऐतिहासिक पात्र है और दूसरा काल्पनिक पात्र, और उन्होंने ये भी दिखाने का प्रयास किया है बेसिकली यही केंद्र में पूरे नारी की स्थिति क्या है, सामंती माहौल में सामंती वर्ग में उस समय की नारियों की स्थिति क्या था। वो खुद लिखते हैं कि जिस समाज में राजा की पुत्री के साथ ये घटना हो, उनको बेचा जाता हो, तो आम नारियों की स्थिति क्या हो सकती है। और साथ ही उन्होंने बाणभट्ट के माध्यम से एक कवि हृदय को भी इन्होंने प्रकट किया है कि बाणभट्ट ने स्त्रियों के जो मतलब सम्मान है, स्त्रियों के प्रति जो अच्छा भाव है, सद्भाव की बातें हैं, वो सब बातें बाणभट्ट ने इस कथा के माध्यम से कहा है। तो बेसिकली इसमें जो आप याद रखोगे उसमें कम से कम तो जो कैरेक्टर है जिसका जिससे संबंध है, जैसे बाणभट्ट हो गया, निपुणिका हो गया, न्यूनिया, निपुणिका को ही न्यूनिया भी कहते, सुचरिता हो गया, बिरति ब्रज हो गया, ठीक है, और 1-2 पात्र जो आता है उनको याद रखिए, और आपसे जो 1-2 क्वेश्चन पूछेगा आपसे बन जाए, ठीक है।